बच्चे ध्यान दें, देखो बच्चों ये सेल्फ इंडक्टेंस, अभी क्या बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी बच्चों उसी घटना पे आधारित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस। देखो बच्चों आप समझो कि अगर हम इसमें करंट फ्लो करेंगे किसी क्वाइल में आप करंट फ्लो को, तो चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, ठीक। और अगर आप करंट में चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा, मतलब फ्लक्स में चेंज होगा, ठीक। और फराडे का बच्चों फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा इसमें स्वतः एक करंट इंड्यूस करंट उत्पन्न हो जाएगी, ठीक। तो बच्चों एक करंट आप फ्लो कर रहे थे, मेन करंट था, और मेन करंट के अलावा जो एक करंट और उत्पन्न हुआ इंड्यूस करंट, ठीक है बच्चों, तो इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ से इंडक्टेंस होकर नया करंट प्रोड्यूस करना। देखो बच्चों क्या हुआ कि जब किसी कॉयल में हम करंट को चेंज करते हैं तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, और इससे कॉयल में फराडे के नियमानुसार एक और करंट इंड्यूस करंट उत्पन्न हो जाती है, तो इस घटना को कहते हैं बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस। देखो बच्चों अब देखो बच्चों आप लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखो बच्चों यहाँ पे जितना अधिक करंट में चेंज करोगे उतना अधिक फ्लक्स में चेंज होगा और उतने अधिक इंड्यूस करंट उत्पन्न होगी, ठीक। तो देखो बच्चों फाई प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न एन लगा दो तो ये आपका आ गया एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि ये मतलब की नंबर ऑफ फ्लक्स, ठीक है बच्चों। तो वो जितना अधिक करंट आप चेंज करोगे उतना अधिक फ्लक्स में चेंज होगा। अब बच्चों अगर हम ये प्रपोजल हटाएंगे तो कोई कॉशन लग जाएगा, ठीक। तो देखो बच्चों ये आपका आ गया एल इक्वल टू एन फाई अपान आई। बच्चों यहाँ पे एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों इसको हम E के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, कैसे देखो बच्चों E इक्वल टू कितना होता है, माइनस वन फाइव अपॉन देखो बच्चों आपने क्या पढ़ा है, E इक्वल टू क्या होता है, डेल फाई अपान डेल टी या डी फाई अपान डी टी, एक ही बात है, ठीक है। डी मतलब छोटा, डेल मतलब बड़ा से, ठीक। देखो बच्चों हम यहाँ पे फाई का मान हमने एन फाई रख दिया, एन फाई क्या होता है, एल आई होता है। बच्चों देखो डी एन फाई अपान डी टी, इसके स्थान पर एल आई अब रखेंगे तो डी आई अपान डी टी हो गया, एल बाहर निकल गया एन बाहर निकल गया, ये एन एल डी आई अपान डी टी इक्वल टू ये आ गया डेरिवेशन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वेल एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये आप लोग लिखोगे, ठीक है।